हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच बी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे, आज मैं कहकर जाता हूँ जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। अमित शाह ने कहा है कि भाई जब तक ये लड़ाई झगड़े फसादात होंगे तब तक हाथ नहीं मिलेंगे आपस में। मतलब वो क्लियरली एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इंडिया को नहीं भेजना, और मुझे एक साइन ये लग रहा है कि जब 2026 में वर्ल्ड कप होगा तो प्रॉबेबली वो पाकिस्तान को भी शायद ना आने दें। कल वो मोटा भाई की स्टेटमेंट आई परसों अमित शाह की, तो कि पाकिस्तान जो ना वो आतंकवाद खत्म करे, पाकिस्तान दहशतगर्दी की फैक्ट्री खत्म करे, पाकिस्तान ये करे, पाकिस्तान वो करे। ये एंटी पाकिस्तान इन्होंने बात करनी होती है अपने वोट बैंक के लिए। और माशाल्लाह अब तो वोट बैंक भी मोदी सरकार का 100 सीटें कम कर गए हैं, कांग्रेस वाले 100 सीटें ज्यादा जीत चुके हैं। इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान से बात ही नहीं करना चाहते जब तक पाकिस्तान बॉर्डर पे ये सब कुछ बंद नहीं करेगा। मतलब जब इनका दिल करेगा ये पाकिस्तान को अच्छा बना देंगे, जब इनका दिल करेगा ये पाकिस्तान को गंदा बना देंगे। उनकी तरफ से अगर अमित शाह का बयान देख लें, जयशंकर साहब का बयान देख लें, दोनों साहबान जो हैं उनकी राय पाकिस्तान के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू करने के मामले में ज़रा मुख्तलिफ है। वो मालिक जिन्होंने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी आकर खेलनी है वो मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, मासिवाय इंडिया के। ख्वाब तभी देखे जाते हैं जब आपकी नीयतें अच्छी हों। ख्वाब देखने में क्या, जैसे आपने भी चैंपियंस ट्रॉफी वाली बात कर ली, सियासी हालात तो इंडिया के साथ आप सोचे भी ना कि कभी ठीक होंगे। ये जो अमित शाह के स्टेटमेंट को पाकिस्तान में बड़ा ज्यादा जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट भी दिया जा रहा है। और भाई हर काम में पंगाबाजी छोड़ दिया करो। अब पाकिस्तान में क्रिकेट घटिया किस्म की हो रही है, इसमें इंडिया की साजिश है। पाकिस्तान अपनी टीम को इंडिया के साथ खिलवाने के लिए मुल्क से बाहर नहीं जाता। ये पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कसम खा चुका है कि हम इंडिया के साथ अपना मैच मुल्क से बाहर नहीं खेलेंगे, लाहौर में। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह के पैगाम आ रहे हैं, जिसमें अमित शाह का पैगाम भी आया, जिसके अंदर जयशंकर का भी पैगाम आया, उन सब ने कहा कि जो भी पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, स्पेशली मतलब जयशंकर ने तो कहा कि पास्ट में था ये इस्लाम दुआ ट्रेड सब कुछ, तो पुरानी बात हो गई है ना, अब तो मतलब खत्म, आउट ऑफ मतलब कोर्स हो गया अब ये सारा कुछ। लेकिन अमित शाह ने कहा है कि भाई जब तक ये लड़ाई झगड़े फसादात होंगे तब तक हाथ नहीं मिलेंगे आपस में। मतलब वो क्लियरली एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इंडिया को नहीं भेजना, और मुझे एक साइन ये लग रहा है कि जब 2026 में वर्ल्ड कप होगा तो प्रोबेबली वो पाकिस्तान को भी शायद ना आने दें। कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ ये बात करने पे कि नहीं होगी। चैंपियंस ट्रॉफी तो वो तो एक अलग ही, ख्वाब देखने में क्या पाबंदी है। आप ख्वाब देखे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ख्वाब देखे, ख्वाब तभी देखे जाते हैं जब आपकी नीयतें अच्छी हों। ख्वाब देखने में क्या, जैसे आपने भी चैंपियन ट्रॉफी वाली बात कर ली, सियासी हालात तो इंडिया के साथ आप सोचे भी ना कि कभी ठीक होंगे। पाकिस्तान के जो सियासी लेवल है जिसमें वजीर आजम या सदर, वो अभी खत लिखते हैं, अभी भी वक्त है। एक बात की बड़ी हैरत है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पैगाम आ रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों खामोश है? व्हाई डोंट दे आंसर, व्हाई डोंट दे टेल के हाँ ठीक है, मतलब वी आर रेडी टू होस्ट यू। अच्छा, एक लेटर लिखने में क्या हर्ज है? अगर वजीर आजम एक लेटर लिखते हैं, सदर एक लेटर लिखते हैं नरेंद्र मोदी को कि हम खेलों को जज्बे के तहत अपने मुल्क के हमारे जो ताल्लुकात उसको बेहतर करना चाहते हैं, और भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान आए, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, उन्हें अच्छी सिक्योरिटी देंगे, मेजबानी करेंगे, तो जवाब का तो इंतजार होना चाहिए ना। एक और पत्ता क्यों नहीं फेंकते? जवाब नफी में आना है, नफी में, लेकिन दुनिया में आपका मैसेज हो जाए। अच्छा, जब इंडिया इनकार कर दे, वो कहेगी हमें हुकूमत ने इजाजत नहीं दी, और तब आप लेटर लिखे, तो तब तो बहुत देर हो चुकी होगी। हाथ बढ़ाए ना, क्यों हाथ बढ़ाते? यही मसला सारा कि हम हाथ नहीं बढ़ाते। या तो कि इंडियन क्रिकेट टीम और भारतीय हुकूमत के ये बस में ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है वो उस चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को भेजने से इनकार कर दें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान ये ऑलरेडी फैसला कर चुका है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। कल वो मोटा भाई की स्टेटमेंट आई परसों अमित शाह की, तो कि पाकिस्तान जो ना वो आतंकवाद खत्म करे, पाकिस्तान दहशतगर्दी की फैक्ट्री खत्म करे, पाकिस्तान ये करे, पाकिस्तान वो करे। ये एंटी पाकिस्तान इन्होंने बात करनी होती है अपने वोट बैंक के लिए। और माशाल्लाह अब तो वोट बैंक भी मोदी सरकार का 100 सीटें कम कर गए हैं, कांग्रेस वाले 100 सीटें ज्यादा जीत चुके हैं। पाकिस्तान अपना ना सेमीफाइनल बाहर शिफ्ट कर रहा है, ना पाकिस्तान फाइनल बाहर शिफ्ट करा रहा है। चले मान लेते हैं इंडिया पूल ए से निकल जाता है, पूल बी में आ जाता है, हाइब्रिड की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान भी अपनी जिद के ऊपर कायम रहता है कि हम अपने जो मैचेस हैं वो लाहौर से बाहर नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान अपनी टीम को इंडिया के साथ खिलवाने के लिए मुल्क से बाहर नहीं जाता। ये पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कसम खा चुका है
कि हम इंडिया के साथ अपना मैच मुल्क से बाहर नहीं खेलेंगे, लाहौर में ही खेलेंगे, तो इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है, तो क्या फिर सेमीफाइनल बाहर होगा? सेमीफाइनल तो पाकिस्तान ही बाहर करवाएगा। और अगर इंडिया फाइनल में आ जाता है और इंडिया का पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल आ जाता है तो तब सेमीफाइनल कहां पे होगा? इंडिया फाइनल में आ जाता है तो तब फाइनल कहां पे होगा? इस चीज का कोई जवाब नहीं दे रहा। अबे मैं ये पूछ रहा हूं कि इंडियन क्रिकेट टीम अगर पाकिस्तान नहीं आती है तो आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी के पूल्स कैसे बनेंगे? इंडिया पाकिस्तान की फर्स्ट मार्च वाली गेम का क्या बनेगा ये बताओ। 2026 में श्रीलंका और इंडिया को होस्ट है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के, तो पाकिस्तान कह देता है कि मैं अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलूंगा, मैं इंडिया आके T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा, तो तब क्या बनेगा इंडिया वाले इंडिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का? क्या इंडियन बोर्ड आईसीसी ये अफोर्ड कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ वो अपने मुल्क के अंदर मैच ना खेलें? भाई नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई डायलॉग नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान से बात ही नहीं करना चाहते जब तक पाकिस्तान बॉर्डर पे ये सब कुछ बंद नहीं करेगा। मतलब जब इनका दिल करेगा ये पाकिस्तान को अच्छा बना देंगे, जब इनका दिल करेगा ये पाकिस्तान को गंदा बना देंगे। अब ऑब्वियसली अगर अमित शाह की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडियन मीडिया इसको चैंपियंस ट्रॉफी से ना जोड़े कि देखिए नहीं अमित शाह ने तो ये स्टेटमेंट दे दी है पाकिस्तान नहीं जाएगी भारत की टीम, हाइब्रिड मॉडल आप ऐड करें। मैं कहता हूं ये बहस ना आप सिरे से ही खत्म कर दो, एक दफा आईसीसी लेके बैठे इंडिया को अपने साथ और ये कोई रूल ही पास करा दो यार, हमने इंडिया से हमने पाकिस्तान से हमने एक दूसरे से खेलना ही नहीं है, बस पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए ना ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरी तरफ ये मजलूम बनते हैं कि जी पाकिस्तान हमारे साथ ये कर रहा है, पाकिस्तान हमारे साथ ये कर रहा है, पाकिस्तान ने आज ये कर दिया। आप इतने मासूम हैं कि पाकिस्तान रोज आपके साथ ज्यादतियां करी जा रहा है। अच्छा एक तरफ ये पाकिस्तान को बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, ये इंडिया में लोग एजेंडा चलाते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान आप पे जुल्म भी करी जा रहा है और आप बर्दाश्त भी करी जा रहे हैं। कोई लॉजिक बनती है? कोई लॉजिक नहीं बनती। कहने का मतलब है कि अगर इस साइड पे बॉर्डर पे कुछ हो रहा है तो उस साइड पे भी हो रहा है, दोनों साइड पे कुछ ना कुछ होता है और सियासतदान पॉलिटिशियंस कभी भी नहीं चाहते कि दोनों मिलके जुड़ के रहें। अगर तो इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता, जो कि मुझे यकीन है कि ये खिचड़ी पकेगी, गंद डलेगा, लास्ट में इंडिया पाकिस्तान आएगा, इंडिया की सिक्योरिटी डेलीगेशन की टीम आएगी नवंबर दिसंबर के पास, आप देखना इंडिया पाकिस्तान आएगा। लेकिन अगर इंडिया नहीं आता, मैं एक मिनट के लिए इमेजिन कर लेता हूं, तो फिर भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जरा अपनी टीम भेजने की बात तो करे एशिया कप में इंडिया अगले साल या T20 वर्ल्ड कप में। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां पे जितना जलील कर सके हम करेंगे, क्योंकि असूल की बात है ना, अगर तो वो नहीं आ रहे तो आप भी ना जाएं, सिंपल बात है। मैं तो कहता हूं क्रिकेट ही खत्म करो फिर इंडिया पाकिस्तान की। पूछा गया तो अमित शाह ने बोला कि पाकिस्तान ने जो धमाके करवाता है, ये अमित शाह ने बोला है, जब तक पाकिस्तान ये चीज नहीं करे, बंद नहीं करेगा, तब तक हम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने या पाकिस्तान में कोई भी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे। मतलब पाकिस्तान अगर ये काम छोड़ दे तो हम फिर पाकिस्तान के साथ खेल लेंगे, फिर हमें कोई मसला नहीं है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान अगर ये काम करेगा तो फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने पाकिस्तान आएंगे, और ये हमारी गवर्नमेंट तय कर चुकी है कि हमने नहीं पाकिस्तान आना, हम बड़े टाइम से पाकिस्तान नहीं आए, हम अभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये जो अमित शाह के स्टेटमेंट को पाकिस्तान में बड़ा ज्यादा जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट भी दिया जा रहा है। और भाई हर काम में पंगाबाजी छोड़ दिया करो। अब पाकिस्तान में क्रिकेट घटिया किस्म की हो रही है, इसमें इंडिया की साजिश है। जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, उस हिसाब से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए। और जो मुझे लगता है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने बांग्लादेश की सीरीज में टट्टी की है, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में वो टट्टी करे, क्योंकि हम इतने घटिया लोग हैं, हम इतनी घटिया टीम है, हम इतनी घटिया कौम है। देखो अमित शाह ने बात की तो पाकिस्तान में ये हो रहा है, हम नहीं आएंगे, ये आप बात कितना करो, नहीं पाकिस्तान में ये कुछ भी नहीं हो रहा, चीजें अमन और शांति के साथ हैं, आप अपनी टीम को भेजो, हम उनका वेलकम करेंगे, भाईचारे का हाथ बढ़ाओ। आप इस तरह बात को लो, तुसी उधर स्टेटमेंट चुक के और नेगेटिविटी पा गए, उसको भी गालियां दे रहे हो और उसके स्टेटमेंट को इतना मशहूर कर रहे हो कि अपनी बदनाम। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अपनी वीडियो के हाइलाइट्स में देख ही लिया होगा अमित शाह जी कैसे बोल रहे हैं, तो टुक साफ साफ जवाब दिए पाकिस्तानी को कि जब तक हम पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अशांति पनपती रहेगी, हम पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। दैट्स मीन उनका क्लियर कहना था कि हम अपनी टीम्स को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं भेजने वाले। इसी बयान को लेकर फ्रेंड्स पूरी पाक मीडिया में हड़कंप सी मच गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आखिर पूरा मामला क्या है, हम आपको पूरे डिटेल्स में समझा देते हैं। फ्रेंड्स,
अमित शाह जी ने कहा, जब तक शांति नहीं तब तक कोई संवाद नहीं। पाक से बातचीत पर अमित शाह ने ये बहुत ही बड़ा बयान दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दिया है फ्रेंड्स। शनिवार को उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब तक घाटी में शांति नहीं पनपती तब तक पाकिस्तान से कोई संवाद नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और सहयोगी माने जाने वाले अमित शाह की पाकिस्तान से बातचीत को लेकर ताज़ा टिप्पणी जम्मू कश्मीर में चुनावी जनसभा के दौरान आई है। तो फ्रेंड्स, पूरा मामला ये था कि उनको पाकिस्तान के बिना नाम लिए कह दिया कि हम अपनी टीम्स को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं भेजेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत ख़राब है, इसको लेके उनका कहना था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, कहाँ से हो आप अपना कमेंट्स करके बताएं हमें। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलेगी आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।